पहले परीक्षा कर लें बातचीत शुरू से पहले जी मैं इस बार अपने से शुरू करता हूँ शांति यादव डी सी करना पिता जगदीप सिंह ओलख संदीप सिंह रवास गुरतेज सिंह ग्राउंड भूपिंदर सिंह लाठी सोंगला राजेंद्र आरिया दादू हाजिर आना दे नमस्कार जी सुप्रम बाल पहलवान सोशल मीडिया पर पा लेना दलेर सिंह वाली किसान यूनियन नीलो खड़ी आप सबका बातचीत में स्वागत है हमारे मीडिया के बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि आपको थोड़ी देर बाद हम जिला मुख्यालय की जाकर आपको बता दें कल मुख्यमंत्री ने होगा कैमला गाँव में जो महापंचायत किसान महापंचायत में जा रही है उसको लेकर किसानों करने के लिए जिला कार्यालय में जो बुलाए गए तस्वीरें देख सकते हैं जो किसान नेता है जो आपको बता दें 6000 किसान नेता हो क्या बात निकलते मीटिंग तो बेनतीजा रही है। हम तो प्रशासन से यही निवेदन करने के लिए आए थे ज़िले के माहौल को देखते हुए और आज की स्थिति को देखते हुए रैली कैंसिल होनी चाहिए थी, पर हमें नहीं पता ये रैली कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, वो इनका काम है। हमने पर यह जीत क्लियर कर दी, हम इस मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत का ज़बरदस्त तरीके से विरोध करेंगे और सुबह ग्रोंडा टोल टैक्स पर सुबह 8 बजे इकट्ठे होंगे और वहाँ से गांव कैमला के लिए निकलेंगे। और गांव में जो कैमला में इस टाइम अब महिलाओं की पंचायत चल रही है और गांव से 200 के करीब यूथ हमें आज ग्रोंडा टोल टैक्स पर समर्थन देने आया है और गांव से भी पुरजोर विरोध होगा और मुख्यमंत्री की रैली को फैल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्या बातचीत क्या हुई आपके सामने, बातचीत क्या रखी? बातचीत तो यही हुई है, प्रशासन ने अपनी बात रखी, भाई आपको भी अपना हक है बात रखने का, उनको भी रखने दो, पर हमने उनको ये बोला वो स्टेज अब जा चुकी है, मामला केंद्र सरकार के पास है ना कि मुख्यमंत्री के हाथ में है। 6 महीने से आंदोलन हरियाणा में था, मुख्यमंत्री तब ये बातें करता की भी हैं, किसान गोष्ठियाँ की, सारा कुछ किया, अब जानबूझ के इस सौहार्द्य को बिगाड़ने के लिए, माहौल को बिगाड़ने के लिए ये सारा कुछ मुख्यमंत्री रखवा रहा है और एक जिद अड़ियल रवैया अपना रहा है, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। हजारों की संख्या में हमारे लोग सुबह आएंगे और इस रैली का पूरा विरोध करेंगे, विरोध किया जाएगा, पूरा विरोध किया जाएगा और कैमला के और कूच करेंगे और गांव से भी ज़बरदस्त विरोध होगा। हमारी बहनाएँ और कैमला गांव पूरा इसके खिलाफ है। कुछ शरारती तत्व जो कुछ MLA के लोग थे उन्होंने इस प्रोग्राम को करवाया है और गांव भी डटकर उसका विरोध करेगा और पूरे गाँव से और आसपास के जितने गाँव हैं बस्ताड़ा कुटेल डिंगर माजरा हर तरफ से विरोध के लिए लोग निकलेंगे। कुछ युवा भी वहाँ पहुँचे थे आपके पास? हमारे पास कैमला से कोई 200 के करीब युवा आया है, उसने कहा अभी हम इस रैली को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और पूरा गांव के अंदर से विरोध है, बाहर से हम भी जा रहे हैं, हमारा भी टारगेट यही है वहाँ पहुँचने का। और जो गांव का युवा है, जो हमारी बहनें हैं, कैमला गाँव की आज इज्जत का सवाल बन गया। इस MLA ने इस गाँव को पूरे विश्व में बदनाम करने की कोशिश की है और पूरा गाँव इस पे एकमत है, वो इस रैली का पुरजोर विरोध करेगा, वो हमारे साथ है, हमारा भाईचारा है। कैमला गांव के लोग हमारे साथ सिंधु बॉर्डर भी जाते हैं, ये कुछ बाहर से प्लांटेड बंदे लाकर कल इन्होंने मोल बिगाड़ने की कोशिश की, ऐसा हम नहीं होने देंगे और गांव हमारे साथ है, सारा भाईचारा हमारे साथ है और भाईचारे की जीत होती है। और सबसे बड़ी कचहरी आज के टाइम में भाईचारा है, उसमें हमारा MLA और मुख्यमंत्री हार चुके हैं।